हाय, चलिए आज मैं आपको सिखाती हूँ कैसे बनाते हैं घर पे क्रीम चीज केक, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में है। आज मैं बना रही हूँ मैंगो क्रीम चीज केक। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने मैरी गोल्ड बिस्किट लिया, आप कोई भी बिस्किट ले सकते हो। उसको थोड़ा सा हाथ से ब्रेक कर लेना और मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना, एक पाउडर फॉर्म रेडी हो जाएगा। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून के जितना बटर डालना है, बटर मेल्टेड होना चाहिए, और इसको कुकीज के अंदर, बिस्किट्स के अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स इतना अच्छे से कीजिए और देखना पड़ेगा कि इसमें बाइंडिंग हो रहा है या नहीं। यानी छोटे छोटे लड्डू बना के, हाथ में मुट्ठी से लड्डू बना के देखिए लड्डू जैसे बन रहे हैं कि नहीं। अगर लड्डू नहीं बन रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा बटर और डालोगे और उसको स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक केक टिन लिया है, केक टिन नहीं बोल सकते, केक का रिंग लिया है। आप टिन भी यूज कर सकते हो, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसको रिमूव करना। तो यहाँ पे मैंने केक का रिंग लिया है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, और इसके नीचे मैंने सिल्वर फॉइल लगा दिया है और इस तरह से साइड से मैंने कवर कर दिया। और अंदर यहाँ पे मेरे पास एक हार्ड सी प्लास्टिक थी, इसको स्ट्रिप बोलते हैं। आप बेकिंग बटर पेपर भी यूज कर सकते हो इस तरह काट के, जिससे कि ना, जब भी हम लोग केक को निकालते हैं ना, रिमूव करते हैं, तो बहुत ही क्लीन निकलता है और इजीली रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने ये बिस्किट्स का जो क्रम्बल्स बनाया था वो सबसे नीचे बेस में लगा दिया, जिससे कि केक को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें बटर है। बटर आप फ्रीज में रखोगे तो वो हार्ड हो जाएगा, तो सारे बिस्किट्स जो है एक साथ में मिक्स किए हुए हैं तो वो थोड़ा हार्ड होके बेस बन जाएगा। तो उसको मैंने बना के और फ्रीज में रख लिया। यहाँ पे एक मिक्सर जार के अंदर मैं मैंगो डाल रही हूँ, बिकॉज मैंगो का सीजन है इसलिए मैं मैंगो यूज कर रही हूँ। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, लाइक स्ट्रॉबेरी, प्लम, जो भी आपके इजिली अवेलेबल हो। सीजनली डालिएगा, सीजनल फ्रूट्स डालेंगे तो उसका स्वीटनेस अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने मैंगो को डाल के और उसका प्यूरे बना लिया और एक बोल में ट्रांसफर कर लिया। मेक श्योर प्यूरे बिल्कुल स्मूद होना चाहिए, छानने की जरूरत नहीं है, बट स्मूद होना चाहिए। यहाँ पे एक दूसरे बोल में मैंने व्हिप क्रीम लिया है, जो कि 1 कप के जितनी है, और 1 कप के जितना ही मैंगो प्यूरे भी है। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा व्हिप करना है, व्हिपिंग ज्यादा नहीं करना, बहुत हार्ड व्हिप नहीं होना चाहिए, क्रीम क्रीम थोड़ी सी कम व्हिप होनी चाहिए। हम लोग केक में यूज करते हैं वो बहुत हार्ड होती है, बट यहाँ पे थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, यानी पीक जो निकलेगी वो सॉफ्ट होगी। तो व्हिप क्रीम को हम, मैंने यहाँ पे ट्रोपोलाइट क्रीम यूज की है, आप कोई भी व्हिप्ड क्रीम यूज कीजिएगा। ओके, यहाँ पे मैंने घर में ही क्रीम चीज बनाया था, जिसका वीडियो भी मैंने पहले वाले वीडियो में दिया है, तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा। मैंने यहाँ पे लिंक आपके साथ जरूर शेयर की है, तो आप वहाँ पे क्रीम चीज भी देख सकते हो कि घर पे कैसे बनाते हैं। तो वही वाली क्रीम चीज मैंने यूज की है, इसमें हाफ हाफ कप की जितनी मैंने पाउडर शुगर यूज की है। पाउडर शुगर घर में ही, चीनी को मैंने पीस लिया और वही पाउडर शुगर यूज की है। वापस से मैंने इसको बीटर से बीट कर लिया, जिससे कि सब चीजें अच्छे से मिल जाए। यहाँ पे मैंने मैंगो एमल्सन यूज किया, बिकॉज मैं मैंगो का केक बना रही हूँ। आप जो भी फ्लेवर का केक बना रहे हो वो एमल्सन यूज करना। एमल्सन में क्या होता है, एसेंस और कलर दोनों एडेड होता है। हो सकता है आपकी सिटी में ये ना मिले, तो आप एसेंस यूज कीजिएगा और थोड़ा येलो कलर डाल दीजिएगा। येलो फूड कलर जो भी आते हैं वहां पे आप डाल सकते हो, और मैंगो का एसेंस डाल सकते हो। अब यहाँ पे मैं अच्छे से बीट कर ले रही हूँ, जिससे कि बीट करने का रीजन ये है कि थोड़ा सा एयर इसमें क्रिएट होता है, फ्लफी होता है, और सब चीजें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। अब आधे घंटे के बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाला, तो बेस थोड़ा हार्ड हो चुका था बिकॉज ये बटर था इसमें। अब यहाँ पे मैं जो भी बैटर अपना व्हिप क्रीम का रेडी की हूँ वो मैं पोर कर दे रही हूँ। यहाँ पे मेरा क्रीम चीज का हाइट थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, घर में सबको क्रीम चीज केक बहुत ही पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा हाइटेड बनाया। जनरली थोड़ा सा शॉर्ट होता है, बट अच्छा लगता है, आप देखिएगा लास्ट रिजल्ट कैसा आता है इसका। अब यहाँ पे मैंने एक दो लेयर लगा ली, मैंने कुकीज की एक लेयर लगा ली और सेकेंड लेयर मैंने क्रीम चीज की लगा ली। अब यहाँ पे मैंने गैस के ऊपर एक पैन रख दिया, गर्म किया। वापस से मैंने मैंगो का लगभग 1 कप के जितना मैंगो प्यूरी लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया बिकॉज मेरे जार में काफी लगा हुआ था मैंगो प्यूरी, तो मैंने पानी से निकाल लिया। यानी 1.5 कप के जितना ये मैंगो प्यूरी रेडी है विथ वाटर, पानी के साथ। 1/4 कप की जितनी शुगर डाली है, थोड़ा स्वीटनेस ज्यादा होगा, मैंगो थोड़ा सा मीठा है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी शुगर और डाली है। अब इसको हम लोग गैस पे अच्छे से चलाएंगे, घड़ी में देख के 1 मिनट तक कंटिन्यू हमें इसको बॉइलिंग करना है। अब यहाँ पे अगर अगर डालना है, अगर अगर पहले डालना है और उसके बाद घड़ी में देख के 1 मिनट तक कंटिन्यू स्टर करना है।
ध्यान रखिएगा यहाँ पे घड़ी में देख के 1 मिनट तक करना जरूरी है। 1 मिनट के बाद यहाँ पे मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको कंटिन्यू स्टर करना है ठंडा होने के लिए, छोड़ना नहीं है नहीं तो ये जेली फॉर्म में स्टिफ हो जाएगा। तो मेक श्योर इसको कंटिन्यू आपको स्टर करते रहना है जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है। अब यहाँ पे ठंडा किया हुआ जो मैंने क्रीम चीज को रखा था फ्रिज में वो मुझे निकाल लेना है। थोड़े से साइड्स मैंने टिश्यू से क्लीन किए हैं जिससे कि लेयर अच्छे से दिखेगी। अब ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में आने के बाद मैंगो प्यूरी मैंने इसके ऊपर पोर कर दिया जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ और इसको वापस से 1 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में स्टोर किया, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में डालने के बाद ये 1 घंटे में वापस से सेट हो जाएगा। और वो जो क्रीम चीज हमने रेडी की थी वो मैंने थोड़ी सी बोल में निकाल ली थी। यहाँ पे मैं पाइपिंग बैग में नोजल डाल लिया है और ये वाली क्रीम जिससे कि मैं इसमें डेकोरेशन कर सकती हूँ। ये देखिए जैसा कि मैंने दिखा रही हूँ कि नोजल है और इसके ऊपर मैं डेकोरेशन करूंगी। अब ये 1 घंटे बाद जब मैंने निकाला तो देखिए रिंग इस तरह से निकल जाती है और इस पे जो मैंने प्लास्टिक स्ट्रिप लगा रखा है या बेकिंग पेपर आप लगाते हो तो बहुत स्मूथली निकल जाता है। दिख रहा है आपको 3 लेयर, एक बिस्किट्स का, एक क्रीम चीज का और एक मैंगो का। अब यहाँ पे मैं नोजल के थ्रू इस तरह डेकोरेट कर ले रही हूँ और यहाँ पे मेरे पास टूटी फ्रूटी थी, येलो टूटी फ्रूटी, वो मैं लगा रही हूँ। आप और भी कैसा डेकोरेशन कर सकते हो, आप इस नोजल से साइड में बॉर्डर्स भी बना सकते हो। देख रहे हैं आप कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इसके लेयर्स लुक। इसके थोड़े से साइड्स को क्लीन करना है स्पैटुला के थ्रू तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको क्लीन करने के लिए ले गई। देखिए इस तरह अभी मैंने क्लीन किया है सारे कॉर्नर्स को, ये आपको दिख रहा होगा। अब ये कट किया मैंने, आप देख सकते हो कितनी अच्छी लेयर है और ये खाने में सबको बहुत पसंद आएगा। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। वीडियो काफी लंबा है बट एंजॉय। थैंक यू।